एक बार की बात है, तीन बिली गोट भाई थे। वो तीनों नदी किनारे घास की पहाड़ी पर रहते थे। उनका ना कोई मालिक था और ना ही कोई दोस्त। बिली गोट भाई वही करते जो उन्हें अच्छा लगता। अरे संभल के खेलो तुम दोनों। ये है सबसे छोटा बिली गोट भाई, ये है मंझला बिली गोट भाई, और ये है सबसे बड़ा बिली गोट भाई। तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा और लंबा। तीनों भाई पहाड़ी पर खुशी खुशी रहते थे। दिन भर मजे से घास खाते और नदी का ठंडा ठंडा पानी पीते और पूरा दिन एक दूसरे के साथ खेलते। भले मैं सबसे छोटा हूँ पर मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। हाँ भाई बहुत तेज है पर बहुत प्यारा है। हाँ वो तो है। छोटे वाला बहुत ही शरारती था पर इसके बावजूद दोनों बड़े भाई अपने छोटे बिली गोट से बहुत प्यार करते थे। उनकी दुनिया अच्छी चल रही थी। पर एक दिन हुआ यूं कि जब तीनों भाई सुबह उठे और आसपास देखा तो महसूस हुआ कि उन्होंने पूरी पहाड़ी की घास खा ली है। ओ नहीं, अब हम खाएंगे क्या? हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक घास दोबारा नहीं उगती। नहीं, इसमें तो हफ्ता लग जाएगा, तब तक तो हम भूखे मर जाएंगे। ओ नहीं, मुझे भूख से नहीं मरना, मुझे तो अब भी भूख लगी है। अरे छुटकू तुम फिक्र मत करो, नदी के उस पार देखो, पूरा मैदान कैसे हरी हरी घास से भरा हुआ है। सही कहा, हमें बस अब उस पुल को पार करना है और फिर हम जितनी चाहे घास खा सकते हैं। पर उस लकड़ी के पुल को पार करना खतरे से खाली नहीं था और बिली गोट भाई ये बात अच्छे से जानते थे, क्योंकि उस लकड़ी के पुल के नीचे रहता था एक भद्दा और बदबूदार ट्रॉल जो हरे रंग का था। उसके दांत बहुत नुकीले थे और साथ ही एक बड़ी सी लाल नाक थी। ट्रॉल मछली खाकर पेट भरता था और इस उम्मीद में बैठा था कि किसी दिन उसकी पकड़ में गोट आए और वो उसे खाए। ओह, मैं ये मछली खा खा कर थक गया हूँ, अब मुझे कुछ और चाहिए। मुझे चाहिए एक बढ़िया मतलब बढ़िया सा गोट। सबसे पहले वो पुल कौन पार करेगा? जो भी सबसे पहले जाएगा वो कभी पुल पार कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो ट्रोल उसे खा। हाँ सही कहा, ट्रोल पहले गोट को नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी जान दूँ। मुझे जाने दो ताकि तुम दोनों जिंदा रह सको। ये सुनकर सबसे छोटे वाले गोट ने कहा, नहीं बड़े भैया, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? हाँ भैया, मेरे पास बड़ा एक कमाल का प्लान है। हाँ मेरी बात सुनिए, इधर आइए। और फिर छोटे बिली गोट ने अपने भाइयों को पूरा प्लान बताया। क्या पक्का ये काम करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। संभल कर छुटकू, ऑल द बेस्ट। छोटा बिली गोट मुस्कुराया, उसने लंबी सांस ली और पहाड़ की तरफ चल दिया। ठप 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 करते कदम बढ़ाता वो पुल पर पहुंचा। ये मेरे पुल पर ठप ठप कौन कर रहा है? ट्रोल मैं हूँ, छोटे वाला बिली गोट भाई। मैं नदी पार कर रहा हूँ उस तरफ की पहाड़ी की घास खाने के लिए। ओ नहीं, ये तो तुम सपने में सोचना। ऐसा कहकर वो ट्रोल तेजी से पुल पर चढ़ाया। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर आइडिया है, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। सुनते ही छोटा बिली गोट डर से कांपने लगा और उसने उससे कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे खाकर तुम्हारा कुछ होगा। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि मैं सबसे छोटा बिली गोट हूँ, मुझ में तुम्हें वो स्वाद नहीं मिलेगा। पर अगर तुम थोड़ा और इंतजार करो तो मेरा मंझले वाला बिली गोट भाई थोड़ी देर में यहाँ से गुजरेगा, वो मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। बात तो सही है, तुम ये पुल पार कर सकते हो। इस तरह छोटे बिली गोट भाई ने ठप ठप करके बाकी का पुल भी पार कर लिया और पहुँच गया हरी हरी घास के मैदान में।
दूसरी तरफ दोनों बड़े भाइयों ने उस पार से देखा कि उनका छोटा भाई ठीक है। अब मेरी बारी है भाई। ध्यान से। फिर मंझला बिली गोट भाई पहाड़ी की तरफ चल दिया। छप 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 करते कदम बढ़ाता वो भी पुल पर पहुंचा। ये मेरे पुल पर छप छप कौन कर रहा है? ट्रोल मैं हूँ, मंझला बिली गोट भाई। मैं उस तरफ अपने भाई के पास जाने के लिए नदी पार कर रहा हूँ और घास भी खानी है। ओ नहीं, ये तो तुम सपने में सोचना। और फिर से वो ट्रॉल छलांग लगाकर पुल पर चढ़ाया। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर आइडिया है, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। ये सुनते ही मंझला बिली गोट भाई अपने छोटे भाई की तरह डर से कांपने लगा और बोला, खैर तुम मुझे खा सकते हो, पर ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि अगर तुम थोड़ा और इंतजार करो तो मेरा बड़ा बिली गोट भाई यहाँ से थोड़ी देर में गुजरेगा। वो हम तीनों में से सबसे बड़ा है, उसे खाकर तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। हाँ, बात तो सही है, तुम पुल पार कर लो। इस तरह मंझले बिली गोट भाई ने ठप ठप करके बाकी का पुल भी पार कर लिया और पहुँच गया हरी भरी घास के मैदान में अपने छोटे भाई के पास। इधर बड़ा बिली गोट भाई खड़ा देख रहा था कि उसके दोनों भाइयों ने नदी पार कर ली है और फिर बड़ा बिली गोट भाई पहाड़ी की तरफ चल दिया छप छप करते, वो भी पुल पर पहुंचा। ये मेरे पुल पर छप छप कौन कर रहा है? मैं हूँ सबसे बड़ा बिली गोट भाई। मैं उस तरफ अपने भाइयों के पास जाने के लिए नदी पार कर रहा हूँ और मुझे घास भी खानी है। नहीं, सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें सफाचट खा जाऊंगा। हाँ, खा सकते हो, पर क्या मेरे भाइयों ने तुम्हें मेरे वरदान के बारे में नहीं बताया? कौन सा वरदान? हाँ, पता है, मुझे एक बाबा ने वरदान दिया था, जो भी पानी में मेरी परछाई देखेगा वो एक खूबसूरत राजकुमार बन जाएगा। तुम भी बन सकते हो और फिर तुम्हें मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारा अपना राजमहल होगा, नौकर चाकर राजकुमारियां होंगी। ये बात ट्रॉल के मन में बस गई। मैं और राजकुमार, वाह, वो तो मैं हमेशा से बनना चाहता था। तुम जल्दी यहाँ आओ और मुझे अपनी परछाई दिखाओ। अभी आया। और जैसा कि तीनों भाइयों ने सोचा था, बड़े वाले बिली गोट भाई ने ट्रॉल को पुल से धक्का दे दिया और वो बदबूदार ट्रॉल सीधा जाकर नदी में गिरा। नहीं! इस तरह बड़ा बिली गोट भाई पुल पार करके अपने दोनों भाइयों के पास पहुंच गया और ये तो आप देख ही रहे होंगे कि वो तीनों कितने खुश हैं, घास खाते हुए, नदी से पानी पीते हुए। रही बात ट्रॉल की, तो वो फिर कभी नजर नहीं आया, उसका लालच उसे ले डूबा। लालच सच में हमारी बर्बादी की वजह बन सकता है,